ये है स्लिंग फैन, देखेंगे काफ़ी ये जाम है, तो इसमें बैरिंग देखेंगे, सॉफ्ट का प्रॉब्लम जो होगा सॉफ्ट को सही करेंगे, बैरिंग सही करेंगे यानी बैरिंग भी एक्सचेंज करेंगे, कैपेसिटर कनेक्शन फिटिंग करना कैसे करते हैं सब चीज़ इसमें देखेंगे, यानी स्लिंग फैन का फुल डिटेल्स जानेंगे। तो पहले यहाँ से खोल लेते हैं इसको, पाइप को हटा लेते हैं, तो इसमें तो कुछ देखना नहीं है, तो यहाँ से फटाफट खोल लेते हैं। अगर आप खोल रहे हैं पहली बार तो अच्छे से एक बार छोटा सा वीडियो शूट कर लें, इससे आपको एक कंफर्म हो जाएगा कौन सा वायर कहाँ पे था। तो सीरीज से पहले वायर चेक करते हैं, तो बिल्कुल सही बता रहा है सीरीज से, इसका जो भी लीड है वो बिल्कुल सही बता रहा है, यानी इसमें वाइंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। कैपेसिटर कवर भी फटाफट खोल लेते हैं और उसके बाद से फैन को ओपन करते हैं। इसमें तीन पेच होता है, खोल लेंगे, उल्टा ठोकने पे इसका स्टार्टर बाहर आ जाता है इजीली, तो बाहर निकाल लेते हैं और देखेंगे बैरिंग का कंडीशन काफ़ी रफ दिख रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी जंक यहाँ से निकल रहा है, यानी बैरिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से बैरिंग को भी चेंज कर देंगे, क्योंकि साउंड भी कर रहा था और काफ़ी जाम था फैन, तो इसको भी सही करना होगा। और इसमें क्या है कि सप्लाई देने से गन की हनिंग कर रहा था, तो जब हनिंग करे तो उसमें शाफ्ट की प्रॉब्लम होता है। आइए खोल के देखते हैं इसमें शाफ्ट की समस्या है या नहीं है। तो पहले बैरिंग को ठोक के निकाल लेते हैं, जब भी कोई फैन हनिंग करें तो ये चीज़ समझ जाएं कि उसमें शाफ्ट का प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, पहले बैरिंग को निकाल लेते हैं बाहर। तो बैरिंग को निकालने के कई टेक्निक हैं, चलिए ऐसे ही ठोक के इजीली हम निकाल लेते हैं, क्योंकि घर पे रिपेयरिंग कर रहे हैं तो सब चीज़ नहीं होता। देखेंगे शाफ्ट कितना बुरा कंडीशन में कटा हुआ है, तो इसको सही करना होगा, चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं और चाहें तो इसी को सही कर लेंगे। तो ठीक है, हम इसी को सही करते हैं। तो ये है अपने पास लोहा काटने के लिए एक छन्नी होता है, उससे हम करेंगे पिन मारेंगे, तो ज़्यादा उसी साइड मारेंगे जिस साइड हमको बैरिंग नहीं जाने देना है, क्योंकि ऊपर तो जाम है, लेकिन ज़्यादा पिन हम उसी साइड मारेंगे जहाँ पे ज़्यादा कटा हुआ है, यानी थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा तो बैरिंग वहीं पे आके रुक जाएगा, उससे पीछे बैरिंग और नीचे नहीं जाएगा, तो अच्छे से पिन मार लेंगे। अगर ये टेक्निक तब भी लगा सकते हैं जब लूज हो, यानी बैरिंग जब इसमें लूज बैठ रहा हो तब भी ये टेक्निक लगा सकते हैं, इस काफ़ी कारगर होता है। कभी कभी क्या होता है, अगर शाफ्ट चाहे चेंज करना तो शाफ्ट तो चेंज कर देंगे, लेकिन फैन हीट रहता है तो टूट जाता है उसमें का पेपर, तो फिर वाइंडिंग करना पड़ता है, ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो अच्छे से बैरिंग को देख लेंगे कहाँ तक इंस्टॉल करना है इसमें, तो जहाँ तक रहता है वहाँ तक अच्छे से इसको ठोक लेंगे और उसके बाद बैरिंग निकालेंगे। तो बैरिंग निकालने के लिए ये है अपने पास टूल्स, ऐसे इसको थोड़ा सा टाइट करके, ये हाथ में पत्ती है मेरे, इसको अंदर डाल देंगे और उसके बाद से इसको घुमाएंगे, बिल्कुल इजीली ये बाहर आ जाएगा बैरिंग। तो ऐसे आप भी निकाल सकते हैं। तो देखें इसी शाफ्ट को हमने कैसे सही किया, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो जब भी शाफ्ट कटा हुआ है तो चेंज करते टाइम अगर कॉपर की वाइंडिंग है और वाइंडिंग या एल्यूमिनियम की हो, अगर ज़्यादा हीट रहता है तो ठोकते टाइम पेपर टूटता है और पेपर टूटने से बॉडी में अर्थ आता है, जिससे फिर आपको रिवाइंडिंग करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उस मॉडल की शाफ्ट भी नहीं रहता है, तब भी आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो बैरिंग ऐसे इजीली निकल जाता है, तो यहाँ से इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद से इसको ठोक लेते हैं। तो थोड़ा सा ये अपना जो बैरिंग निकालने वाला था टूल्स थोड़ा छोटा था, तो कोई बात नहीं। तो इसमें 6201 नंबर का बैरिंग लगता है, एक तो होता है 6202 और एक होता है 6201, तो इसको लगाते हैं और देखेंगे ये काफ़ी लूज है, यानी इसका पीछे का शाफ्ट भी कटा हुआ, देखेंगे इजीली हाथ से डालने पे भी शाफ्ट में चला जा रहा है, देखेंगे तो ये सही वर्क नहीं करेगा। तो सेम जो आगे की शाफ्ट में किया गया है सेम वही पीछे की शाफ्ट में करेंगे तो बिल्कुल ये फिक्स हो जाएगा, यानी काफ़ी सही हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर से हिट करेंगे, कई तरीका है बैरिंग ठोकने का, ऐसे भी ठोक सकते हैं, नहीं ख़राब होगा, ज़्यादा चोट ना करें नहीं तो ख़राब भी हो सकता है। तो अच्छे से यहाँ पर ठोकेंगे, देखेंगे बिल्कुल इसके लेवल में होना चाहिए और बिल्कुल ये सही हो गया और फ्री भी है, काफ़ी स्मूथली चल रहा है क्योंकि नया वायरिंग है। तो यहाँ से पहले ऊपर का टॉप कवर बैठा लेंगे अच्छे से, बैरिंग में देखेंगे बैठ चुका है, ऊपर से थोड़ा सा ठोक लेंगे और ये बिल्कुल फ्री चल रहा है। यहाँ पे रिंग डालेंगे और रिंग की जो लेवल है और जो स्टार्टर का वो दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल मतलब कि अप डाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पीड अच्छे से नहीं देगा। उसके बाद ठोकेंगे, ये बिल्कुल बैठ जाएगा और उसके बाद से इसमें पेच इसका टाइट कर लेते हैं, ठीक सेंटर पे लाके ठोका जाता है ताकि इजीली कंफर्म हो जाए और वहीं पेच होता है, इसको टाइट कर लेंगे।
और ऊपर से ऐसे आप ठोक सकते हैं, और प्लास्टिक का हथौड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखेंगे बिल्कुल है स्मूथली चल रहा है, नहीं फ्री घूम रहा है बिना कोई साउंड का। तो यहाँ तक तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे कैपेसिटर कनेक्शन। तो ये कैपेसिटर कनेक्शन समझ लेते हैं, तब तक वायर निकाल रहे हैं। तो एक चीज़ जाने, लीड वायर में कैपेसिटर कैसे जाने कि इसमें कॉमन वायर कौन सा है और कैपेसिटर वायर कौन सा है। तो इसके लिए सबसे आसान टेक्निक है इसको जानने के लिए कि आप तो स्विच से जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो जिस पे एक वायर ऐसा होगा जिससे दोनों वायर पे तेज बल्ब जलेगा, और दो वायर ऐसा होगा जो आपस में उस पे टच करेंगे तो बिल्कुल स्लो ग्लो होगा यानी धीरा जलेगा। तो जिस पे दोनों पे धीरा जलता है वो कैपेसिटर का वायर होता है, और जिस वायर से दोनों वायर पे तेज बल्ब जलता है तो वो होता है कॉमन वायर। तो कॉमन वायर पे न्यूट्रल या फेस दे देते हैं, बाकी दो वायर बचता है उसमें हम कैपेसिटर लगाते हैं। और उसके बाद जब कैपेसिटर लगाते हैं तो एक उसमें सही डायरेक्शन में घूमेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। तो जिसमें सही डायरेक्शन में घूमेगा उसको हम फेज या न्यूट्रल उस पे दे देंगे, और जिस पे अपोजिट में घूमेगा उसको हम बीच में फिक्स कर देंगे या फिर टेप लगा लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो देखेंगे यहाँ पे सप्लाई देने पे बिल्कुल सही डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसको बीच में और एक ऊपर नीचे कर लेंगे जिस पे सही चल रहा था, और जिस पे सही नहीं चल रहा था उसको नीचे बीच में उस पे टाइट कर देंगे, और जिस पे सही चल रहा था उसको नीचे या फिर ऊपर, और फिर कॉमन वायर को भी नीचे या ऊपर कर सकते हैं। आइए सप्लाई डालते हैं और फिर चेक करते हैं और साउंड भी सुनेंगे। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है और बिल्कुल इसमें साउंड की प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है या फिर टेक्निकल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सभी कंपोनेंट्स का रेट भी हम बताते हैं। तो जय हिंद।